हे गाइस, वेलकम टू टुडेस वीडियो। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ फ्यू डेडलिफ्ट टिप्स दैट कैन हेल्प यू इम्प्रूव योर टेक्निक। तो जैसे कि मैंने एक स्क्वाट वीडियो बनाई थी, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि व्हाई डोंट यू आल्सो मेक अ वीडियो ऑन द डेडलिफ्ट्स। तो आज हम फ्यू टिप्स डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे हमारे पहले पॉइंट से, जो कि होने वाला है बार एंड फीट पोजिशनिंग। नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अ लॉट ऑफ द पीपल व्हाट दे डू इज कि ज़्यादा नैरो पकड़ लेते हैं, फिर ज़्यादा ही वाइड पकड़ लेते हैं। इधर यू वांट दैट यू फाइंड अ पोजीशन दैट इज इंडिविजुअल टू यू, दैट इज कंफर्टेबल टू यू। तो एज अ जनरल रूल ऑफ थंब, शोल्डर विथ अपार्ट अगर आप कन्वेंशनल डेडलिफ्ट कर रहे हो इज द स्टैंडर्ड, यू कैन से द विथ जो होती है। बट मैं शोल्डर विथ अपार्ट से हल्का सा कम रखता हूँ अपने पैर, दैट इज वेयर आई फील द मोस्ट कम्फर्टेबल। जो मैं बार की ग्रिप है वो भी एकदम पास से नहीं पकड़ता हूँ, क्योंकि आप देख सकते हो ये रेस्ट्रिक्शन हो रही है, लाइक मेरी नीज और एल्बोज आपस में क्लैश कर रही हैं, एंड दैट लाइक दैट इज़ नॉट कम्फर्टेबल व्हेन आई लिफ्ट अप द बार। तो इसलिए आई ग्रैब इट स्लाइटली वाइडर एंड देर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन, चाहे मैं इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन कर रहा हूँ अपनी आर्म्स की, कोई दिक्कत नहीं है। व्हेन इट कम्स टू दीज लिफ्ट्स देर इज़ नो वन साइज फिट्स ऑल। आप एक्सपेरिमेंट करना कि आपको कौन सी ग्रिप में सबसे ज़्यादा सेंटर्ड, सबसे ज़्यादा कम्फर्टेबल फील हो रहा है। लाइक एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट विड्थ्स, यहाँ पे हो गया, यहाँ हो गया, बट ज़्यादा भी नहीं, तो दैट विल बी अ स्नैच ग्रिप डेडलिफ्ट। देन अगर आप इतनी ज़्यादा वाइट पकड़ रहे हो इस रेंज के अंदर, यू हैव टू प्ले, सी वे यू फील द मोस्ट सेंटर्ड विद योर बॉडी। कुछ लिफ्टर्स हैं जो एलीट पावर लिफ्टर्स हैं, वो इतनी ग्रिप में ही मारते हैं इतना नैरो लिख के। कुछ लोग इतना वाइड भी रखते हैं, चाहे वो एडी हॉल हो या फिर थॉर, इट कम्स डाउन टू योर इंडिविजुअल प्रेफरेंस। तो अगेन एक और चीज़ जहाँ पे फीट और बार की पोजिशन आएगी, दैट इज़ कि जब आप लिफ्ट ऑफ के लिए जा रहे हो, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं एकदम चिपक जाते हैं, एंड जब वो नीचे बार पकड़ने के जाते हैं वो आगे चले जाता है। सो यू वांट टू लीव सम स्पेस शिन एंगल के लिए। सो आइडियली यू वुड वांट कि जो आपका बार है दैट इज ऑन टॉप ऑफ योर मिड फुट, एंड जब आप लिफ्ट ऑफ करो तो इट गोज अप इन अ स्ट्रेट लाइन। तो एक कंसेप्ट होता है जिसे हम बोलते हैं बेंडिंग मोमेंट, मतलब कि जैसे ये बाइसेप कर्ल के एग्जाम्पल ले लेता हूँ, काफ़ी ईजी टू अंडरस्टैंड है वो। अगर मैंने 5 किलो का डंबल ऐसे हाथ में पकड़ रखा है तो यहाँ पर मैं काफ़ी आराम से होल्ड कर पाऊंगा, यहाँ पर थोड़ा टफ होएगा। जैसे जैसे मैं डिस्टेंस बढ़ाता रहूँगा फ्रॉम दी एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो कि होने वाला है हमारा ये एल्बो जॉइंट, तो ऑटोमेटिकली जो फोर्स है वो मल्टीप्लाई होती रहेगी जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता रहेगा लीवर का फ्रॉम दी एक्सिस। तो जब हम डेडलिफ्ट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इधर दे एंड अप लिफ्टिंग यहीं से विदाउट पुलिंग इट क्लोजर टू देयर बॉडी। नाउ आइडिया इज़ नॉट टू पुल इट क्लोजर टू योर बॉडी, बट रादर कि आपने इस पोजिशन में आए, नाउ यू एंगेज योर लैट्स। सो यू सी, जैसे ही आपने यू पुल डाउन विद योर एल्बोज, यू एंगेज योर लैट्स, तो आप देख सकते हो द बार इज ऑटोमेटिकली क्लोज टू योर शिन्स, एंड आइडियली यू शुड फील वन विद द बार। तो ऐसा नहीं होगा कि मैं ऐसे करूँगा, नहीं, वो देख रहे हो गैप बन जाता है थोड़ा सा। सो वॉट हैपन्स इज कि जब आप उस गैप के साथ भी लिफ्ट करते हो, वो चाहे छोटा सा गैप हो या फिर थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो, उससे जो फोर्स अप्लाई हो रही है, जो हमारे यहाँ पे हिप जॉइंट है उसके ऊपर धीरे ग्रेजुअली स्ट्रेस ज़्यादा पड़ता है। तो अगर मैंने वेट यहाँ पकड़ रखा है वर्सेस यहाँ पकड़ रखा है, 2 सेकंड के अंदर ही मेरे को वो फील हो रहा था कि यहाँ पे जो मेरे रेक्टस स्पाइन है या फिर जो लोअर बैक वाला एरिया है वहाँ पे स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा पड़ रहा था। तो इस वजह से यू वुड वांट द बार शुड बी एज क्लोज टू योर बॉडी एज पॉसिबल। तो यार, इससे पहले कि हम अपने सेकंड पॉइंट पे मूव ऑन करें, मैं आप लोगों को ये मसल बेस के रात एक्स प्री वर्कआउट के बारे में बताना चाहता हूँ। ये अभी तक का बेस्ट प्री वर्कआउट फॉर्मुलेशन है, एंड इट इज़ एज गुड एज एनी इंटरनेशनल प्री वर्कआउट आउट देयर। एंड ऑल्सो इसमें इतनी ज़्यादा हाई डोजेज भी नहीं है कैफीन की, जो बहुत सारे लोग आइडियली मानते हैं। तो यार, लेकिन प्री वर्कआउट में और बाकी इंग्रेडिएंट्स होते हैं दैट कैन एक्चुअली हेल्प यू विद योर ट्रेनिंग परफॉर्मेंस। जैसे इसके अंदर एल-सिट्रुलिन है विच इज़ 3000 मिलीग्राम्स, एंड इसके अंदर है एल-आर्जिनिन 750 मिलीग्राम्स। तो ये वेसोडायलेटर्स होते हैं, बेसिकली आपका जो ब्लड फ्लो होता है वो इंक्रीज कर देते हैं, दैट कैन स्लाइटली इंप्रूव योर ट्रेनिंग परफॉर्मेंस। इसके अंदर 5 मिलीग्राम बायोपेनिन है फॉर एडवांस एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। सो एक खतरनाक वर्कआउट के लिए इसको ऑर्डर करें बाय क्लिकिंग ऑन द फर्स्ट लिंक मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, एंड डू नॉट फॉरगेट टू यूज माय कोड SIDMB फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट एट चेकअप। नाउ कमिंग ऑन टू अ सेकंड पॉइंट, जो कि होने वाला है हिप पोजीशन। नाउ ये वेरी करेगा डिफरेंट इंडिविजुअल्स में, बिकॉज हर किसी की लिम लेंथ डिफरेंट होती है, जो फीमर बोन होती है उसकी लेंथ डिफरेंट होती है। लाइक सम पीपल हैव लॉन्ग फीमर, सम पीपल हैव शॉर्ट फीमर। सो आइडियली आपकी जो हिप पोजीशन होनी चाहिए वो आपके शोल्डर्स और आपके जो नीज है उसके बीच में होनी चाहिए। नाउ ऐसे भी नहीं बोल रहा कि एकदम इन लाइन, नाउ दिस विल बी समवॉट ऑफ अ स्क्वाट क्लीन जो ओलंपिक लिफ्टर्स करते हैं, हमें ये नहीं चाहिए, वी वांट स्लाइटली थोड़ा ऊपर। नाउ यू सी दिस इज वेयर माई स्वीट स्पॉट लाइज, जहाँ पे आई फील द मोस्ट कनेक्टेड। इस पोजिशन थोड़ा ऊपर जाऊँगा, आई नो मेरे हिप जॉइंट पे थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेस फील होने वाला है। अगर आपके लॉन्ग फीमर्स हैं ऑटोमेटिकली और बाउंड कि आप थोड़ी जो जो मेरी यहाँ तक आ रही है वो लोगों की यहाँ तक आएगी, हो सकता है थोड़ी सी, जिस वजह से उनका एंगल है शिन का वो भी डिफर करे, एंड टू कॉम्पनसेट फॉर दैट, ताकि उनका जो बार पाथ है वो ऐसे टकरा के ऊपर ना आए या फिर
ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन ना क्रिएट हो, दे विल एंड अप डूइंग समथिंग लाइक दिस। सो बेसिकली इस पोजिशन की जगह उनकी थोड़ी ऐसे होएगी जिनकी लॉन्ग फीमर्स है। नाउ यू हैव टू फाइंड द पोजिशन वे यू फील द मोस्ट कम्फर्टेबल लिफ्टिंग द वेट, बिकॉज हो सकता है मेरे लिए ये कम्फर्टेबल फील हो, किसी के लिए ये हो, किसी के लिए ये हो, यहाँ पे बेस्ड ऑन योर इंडिविजुअल लिम लेंथ। बट द आइडिया शुड बी कि आपकी जो हिप पोजिशन है वो आपकी नी और शोल्डर के बीच में होनी चाहिए। तो आवर थर्ड पॉइंट इज़ थिंकिंग ऑफ पुशिंग योर फीट इन टू द ग्राउंड। जो बहुत सारे लोग गलती करते हैं जब वो स्टार्टिंग में डेडलिफ्ट कर रहे होते हैं, वो बार को पुल करने में लगे हुए होते हैं। सो डेडलिफ्टिंग में प्योरली पुशिंग या प्योरली पुलिंग नहीं, बट देर इज़ अ हेल्दी कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ दोज टू। तो यू डोंट वॉन्ट कि आप सिर्फ वेट से जर्क करके या फिर बस ऊपर वो पूरी जान ला के खींचने में लगे हुए हो, बट स्टार्टिंग में टू हेल्प गेट द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज लिफ्ट्स एंड हाउ टू एक्चुअली गो ऑन अबाउट पुशिंग द वेट विद योर फीट। तो इमेजिन अगर आपका हाथ नहीं होता, ये एक सिर्फ यहाँ से रस्सी बंधी होती एंड सिर्फ बार पे लगी होती, तो आई विल जस्ट यूज़ अ टू फिंगर ग्रिप टू डेमोंस्ट्रेट दैट। मैं हाथ से पुल नहीं करूँगा इवन दो ठीक है ग्रिप्ड है, एंड आई विल जस्ट पुश विद माई ग्लूट्स इन टू द फ्लोर। That's it. So you see, तो अभी मैंने pulling strength अपनी use भी नहीं करी है। तो when you go into the 180s, 160s, 150s, like not even that, let's just say आपके लिए 80, 90 kg heavy है, तो उसके लिए to get that weight up, you do need to understand what it means to drive with your glutes. अगर आप push नहीं कर रहे हो ज़्यादा and सिर्फ pull ही कर रहे हो, तो automatically this will happen, जो बहुत सारे लोगों का हो जाता है। They end up pulling the weight. एल्बोज भी उनकी स्लाइटली बेंड होती हैं ऐसे ये। सो यू वुड वॉन्ट टू मेंटेन बोथ दोज टू पॉइंट्स दैट वी टॉक्ड अबाउट एंड देन एडिंग दिस वन ऑन टॉप ऑफ इट। इफ़ यू स्टार्टिंग आउट और अगर आपको अपनी टेक्निक इम्प्रूव करनी है, स्टार्ट विद सम लाइटर वेट, सपोज 40% or 50% ऑफ योर वन रेप मैक्स, एंड वॉट यू हैव टू डू इज जस्ट डू दिस। स्टार्टिंग में जस्ट इतना लेफ्ट ऑफ। सो द आइडिया इज टू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वॉट इट मीन्स टू पुश, वॉट इट मीन्स टू पुल द वेट अप। अगर आप ऑलरेडी ज़्यादा ही ऐसे पुल कर रहे हो या फिर ज़्यादा ही ऐसे स्क्वाट क्लीन में आके बस पुश करने में लगे हो स्क्वाट की तरह, जस्ट 4-5 रेप्स स्टार्टिंग में। सो ग्रैब द फ्लोर विद योर फीट लाइक दिस एंड देन जस्ट जैसे मैंने बात की अभी हुक्स की तरह, जस्ट इमेजिन दैट योर आर्म्स आर जस्ट हुक्स एंड पुश। That's it. तो गाइज ये थे हमारे 3 points, 3 tips टू हेल्प यू इम्प्रूव योर डेडलिफ्ट। कॉमेंट सेक्शन में बताना कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक के ऊपर देखनी है। आई होप दैट यू इम्प्लीमेंट ऑल दीज टिप्स एंड टेक्निक्स इन टू योर नेक्स्ट डेडलिफ्ट सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टूडेज वीडियो गाइज, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।